मणिपुर में बीते साल मई से चल रहा तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिष्णुपुर में रॉकेट अटैक के बाद अब हिंसा में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा बढ़ ही सकता है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह सो रहा था। वहीं बाद में हुई गोलाबारी में 4 हथियारबंद लोग मारे गए। अधिकारी के मुताबिक उग्रवादी जिला मुख्यालय में करीब 5 किलोमीटर दूर से एक सुनसान स्थान पर अकेले रहने वाली व्यक्ति के घर में घुसकर और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारी ने बताया कि हत्या के बाद जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर युद्धरत समुदायों के हथियारबंद लोगों के बीच भारी गोलाबारी हुई, जिसमें 3 पहाड़ी उग्रवादियों सहित 4 हथियारबंद लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गोलाबारी में मरने वाले कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय से थे। मणिपुर में ताजा हिंसा की घटनाओं के बाद पिछले 5 दिनों से तनाव बहुत बढ़ गया है। शुक्रवार की रात बिष्णुपुर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। इसके अलावा 2 मणिपुर राइफल्स और 7 मणिपुर राइफल्स के हेडक्वार्टर से हथियार लूटने की कोशिश की गई। बता दें, बीते 17 महीने से चल रही हिंसा में पहली बार रॉकेट अटैक किया गया। पुलिस ने बताया कि कुकी उग्रवादियों ने लॉन्ग रेंज का रॉकेट भी दाग दिया। इस रॉकेट की लंबाई 4 फीट से करीब बताई गई। हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार को राज्य भर में स्कूल और कॉलेजों के छुट्टी रहने के आदेश जारी किए। बता दें, पिछले साल 3 मई के बाद मणिपुर जातीय हिंसा का शिकार है। अधिकारियों का कहना है कि यह भी संभव है कि कई एक लंबी पाइप में गोला बारूद भरकर इसे रॉकेट लॉन्चर की मदद से फायर किया गया है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।